Hey guys, what's up? This is Vinay Sehgal from Sehgal Fitness. Once again, आपका स्वागत है मेरे चैनल Sehgal Fitness में. Guys, सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, जिससे कि हम कनेक्ट रहेंगे, मेरी वीडियोज टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेंगी. सो गाइज, आज का होम वर्कआउट का मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, शोल्डर, हाउ टू ट्रेन योर डेल्टॉइड्स एंड योर ट्रैप मसल इन योर होम. सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप घर पे बेस्ट शोल्डर का वर्कआउट परफॉर्म कर सकें. कोई भी वर्कआउट करने से पहले हमेशा स्ट्रेचिंग इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ आर वर्कआउट सेशन. जब भी आप वर्कआउट करें सबसे पहले स्ट्रेचिंग जरूर करें. तो उसके लिए शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, आपको परफॉर्म करनी चाहिए. सबसे पहले इसको आप 10-20 टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं, देन फ्रंट 10-20 टाइम्स, ठीक है. देन हाथ सीधे रख के आपने इसे क्लॉकवाइज मूव करना है. इसके अंदर आप ध्यान रखें कि आपका एल्बोज एकदम सीधी होनी चाहिए, बैंड नहीं होनी चाहिए, और आपको जो है वो सारा शोल्डर के ऊपर इफेक्ट आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे परफॉर्म करते हैं या जिन लोगों को मैक्सिमम मैंने देखे परफॉर्म करते हैं, वो अपने शोल्डर मसल के साथ साथ हाथ भी मूव करते हैं. आपको बेसिकली अपनी आर्म एकदम सीधी रखनी है और अपने खाली शोल्डर मसल मूव करना, ताकि आपका प्रॉपर डेल्टॉइड के ऊपर इफेक्ट आ सके. तो इस तरीके से आप 10-20 रोटेशन लेंगे फ्रंट एंड रिवर्स ऑल्सो 10-20 रोटेशन. देन इसमें नेक का वर्कआउट भी थोड़ा जरूरी होता है, तो हम नेक को भी स्ट्रेच करें. Count for 10, then move, count for 10, then again, count for 10. ये थोड़ी कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो आप परफॉर्म करें, आपका शोल्डर में इंजरी नहीं होगी वर्कआउट से पहले. सो हमें कुछ आपको शोल्डर के वर्कआउट बताऊंगा जो कि आप घर में परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली डंबल. जी गाइस, तो सबसे पहला वर्कआउट जो हम परफॉर्म करेंगे वो है फ्रंट रेस एंड साइड रेस. इसका हल्का सा वार्म अप लेंगे. तो मेरे को डंबल में राइट साइड बने, उससे आपको वार्म अप लेके दिखा देता हूँ. सबसे पहले 1 होल्ड, 2 होल्ड, 3 होल्ड, 4, 5, 6, then front 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरीके से सबसे पहले अपनी मसल को ट्रेन कीजिए, क्योंकि आपके बड़े मसल को ट्रेन करने से पहले आपको जो आपके छोटे मसल के जो फाइबर्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको हमेशा वार्म करना बहुत ज़रूरी है. तभी आपके बड़े मसल के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं तो वो पूरा वेस्ट जाएगा आपका. तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहले डंबल प्रेस. डंबल प्रेस परफॉर्म करने के लिए हमेशा आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए वाइड, जो आपके डंबल्स होने चाहिए वो आपके एल्बो के ऊपर होने चाहिए, एल्बो और शोल्डर के बीच में, सेंटर में. एल मेक एल, जैसे आप देख रहे होंगे आपके एल्बो अंदर. देन अगेन आप 1, इसे ज्वाइन मत करिएगा. जब ज्वाइन करते हैं तो हमारे शोल्डर से प्रेशर हट के थोड़ा फ्री जोन में आ जाता है, तो आपने इसको ज्वाइन नहीं करना. हल्का सा गैप रखिए इसके अंदर. 1 push, 2 push, 3 push, 4 push, 5 6 7 8. इसके अंदर हमेशा इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस रखिए. जैसे ऊपर पुश कर रहे हैं तो एक्सहेल आउट, जब नीचे लेके आ रहे हैं इनहेल, अगेन एक्सहेल, इनहेल. हमेशा इसको पूरा नीचे नहीं लेके आना, ताकि जो आपके शोल्डर के ऊपर है प्रेशर हट जाएगा, यानी टेंशन जो क्रिएट आप कर रखी है वो हट जाएगी. तो आपने हमेशा इसको हल्का सा ऊपर रखना है, ताकि शोल्डर के डेल्टॉइड मसल के ऊपर हल्का सा प्रेशर क्रिएट रहे. इसी तरीके से आप इसके 4 सेट परफॉर्म कीजिए 15 रेपिटेशंस के. तो इससे आप देखेंगे आपके काफ़ी अच्छा आउटर डेल्ट के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आता है, काफ़ी अच्छा पम्प फील होगा आपको. ये तो था मेरा पहला वर्कआउट. और जो सेकंड वर्कआउट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है साइड रेजेस. गाइस, यहाँ पे दो होते हैं, एक हम साइड रेजेस परफॉर्म करते हैं और एक होता है साइड लेटरल्स. इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस ये है, जो साइड रेजेस होते हैं उसके अंदर हाथ हमेशा हमारे सीधे जाते हैं, जैसे हम लेग रेजेस परफॉर्म करते हैं. और साइड लेटरल्स के अंदर होता है शोल्डर साइड लेटरल्स, उसके अंदर हल्के से हमारे हाथ बैंड होते हैं, यानी मेक अ सी, हमारा एल्बो हल्का सा बैंड होता है, हम उसको ऊपर लिफ्ट करते हैं लाइक दिस. तो इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है. यहाँ पर मैं आपको साइड लेटरल्स बता रहा हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है हमारे शोल्डर्स के ऊपर. तो सबसे पहले सेम वेट के डंबल जो आपके अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो उसके बाद हाथ बिल्कुल साइड में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. पहले आपको फ्रंट पोजीशन दिखा देता हूँ इसकी, एकदम स्ट्रेट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट. 1 होल्ड, जैसे स्कूल में पीटी करते थे सेम उसी तरीके से करना, बस फर्क है कि हाथ में डंबल्स हैं आपके. 2 3 4 5
6, अब मैं साइड पोजीशन दिखा देता हूँ आपको, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा आपको शोल्डर ट्रेन करते हुए आपके शोल्डर मसल्स के ऊपर। प्लस इसके अंदर एक टिप आपको दूंगा, जब भी आप ये साइड रेजेस या फ्रंट रेजेस परफॉर्म करें तो हल्का सा उसको ऊपर होल्ड दें आप, ताकि आपके मसल ज़्यादा स्टोर हो, उसके अंदर ब्लड फ्लो रुके। जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो किसी भी मसल के अंदर रुकता है उतना ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन सप्लाई मिलती है, तो जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन सप्लाई मिलेगी मसल में उतना ज़्यादा वो गेन करेगा। तो लाइक दिस, 1, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, 2, 1, स्लो डाउन, अगेन अप, 2, 1, ओके। होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम गाइस अब थर्ड वर्कआउट अपना परफॉर्म करने वाले हैं, वर्कआउट है फ्रंट रेजेस। तो फ्रंट रेज काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, क्योंकि मैं तो दिखा दूँ, ये जो मसल ग्रुप है मेरा ये काफ़ी रेयर और काफ़ी छोटा होता है, तो इसको हम जल्दी ट्रेन नहीं कर पाते। जब भी हम अपना शोल्डर डंबल प्रेस या मिलिट्री प्रेस करते हैं तो इसके अंदर इस मसल के ऊपर इफेक्ट आता है, बट कितना नहीं आता। तो उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज अपना रिजल्ट कर लेके आ सकें उसके लिए हम फ्रंट रेजेस परफॉर्म करते हैं। इसके दो वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट वेरिएशन इस या डंबल्स है, तो मैं डंबल से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली घर पे कर सकें। फ्रंट पहला वेरिएशन है आपका, जिसमें आप डंबल पैसे लेके जाएंगे डाउन डाउन। इसके अंदर जो आपकी ग्रिप होनी चाहिए, वो जो ग्रिप होगी आपकी वो शोल्डर के बिल्कुल सीध में होगी, ना अंदर ना बाहर, बिल्कुल स्ट्रेट। आपके चेस्ट मसल के ऊपर आपका जो डेल्टॉइड मसल है वो हिट नहीं होना चाहिए। देन स्लो डाउन, अगेन स्लो डाउन, हल्का सा होल्ड लेके करेंगे, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली इतने हैवी डंबल्स नहीं अवेलेबल होते हैं, तो इससे ज़्यादा आपको प्रेशर क्रिएट होगा। काउंट फॉर 2 सेकेंड्स, मीन्स होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, देन डाउन। ये तो था इसका पहला वेरिएशन। अब जिनके शोल्डर में इशू रहता है या शोल्डर की कोई भी वर्कआउट अगर हल्का से परफॉर्म करते हैं जिसके ऊपर शोल्डर के ऊपर प्रेशर आए, तो उस वर्कआउट के लिए फिर वो नहीं कर पाते, ताकि वो मसल पे पेन होगा तो बाद में हिट नहीं कर पाएंगे कोई भी एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए जब भी फ्रंट रेस परफॉर्म करनी है तो आपने अपने डंबल को इस तरीके से पकड़ना, होल्ड डाउन होल्ड डाउन। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपको प्रेशर होगा ना आपके एल्बोज के ऊपर आएगा ना आपके शोल्डर मसल के ऊपर आएगा ज़्यादा, तो आपको पेन होने के चांसेस बहुत कम है, बाकी रिजल्ट सही नजर होगा। ये कुछ वेरिएशन है जो परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। इसको भी आपने जो परफॉर्म करना है वो आपने इसके भी 15 रेपिटेशन टू 20 रेपिटेशन परफॉर्म करने, डिपेंड्स ऑन द वेट जो आपके पास घर में है। इसके भी आप 4 सेट परफॉर्म कीजिए और थोड़ा स्लो स्लो करेंगे ऊपर होल्ड रखे, तो इससे आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट वर्कआउट है मेरा, वो मैं आपको बताऊँगा, आर्नोल्ड डंबल प्रेस। हमने सबसे पहले एक्सरसाइज परफॉर्म करी डंबल प्रेस, उसके बाद हमने किया साइड रेजेस, उसके बाद हमने परफॉर्म किया फ्रंट रेज। अब हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है आर्नोल्ड डंबल प्रेस। आर्नोल्ड डंबल प्रेस कैसे करते हैं, उसके अंदर पहले आपको एक हाथ से करके दिखाऊँ, ये होता है उसके अंदर रिवर्स डंबल पकड़ते हैं, 1 ड्रॉप। मिस्टेक जनरली लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पूरा नीचे ले आते हैं। अगर आपके शोल्डर मसल के नीचे आ गया डंबल तो आपका सारा प्रेशर आपके शोल्डर मसल के टिश्यू फाइबर के ऊपर आएगा, जिससे कि लिगमेंट टियर होने का चांसेस रहते हैं, खतरा रहता है। हमेशा अपनी एल्बो को ऊपर रखिए ताकि जो भी प्रेशर है आपके शोल्डर मसल के ऊपर बना रहे, तभी जब आप रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके शोल्डर मसल के ऊपर ज़्यादा टेंशन क्रिएट होगी, जिस हिसाब से मैंने कर रखा है। आपको साइड पोजीशन दिखा देता हूँ, एल्बोज को हल्का सा ऊपर रखिएगा, ठीक है। अब इसको अप लेके जाना आपको, 1, ऊपर ले जाते हैं, इसको रोटेट कर दीजिए, फिर नीचे लाइए यहाँ पर होल्ड, अगेन। आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको नीचे लाके ऊपर लेके जाना है, इससे आपके एल्बो पर भी इफेक्ट आएगा और शोल्डर मसल टियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको यहाँ पर रखिए सीधा, 1 होल्ड, 2 होल्ड, नीचे होल्ड रखना आपको, 3, 4। इसके आपने वही सेम 12 to 15 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, 4 सेट आप इसके परफॉर्म कर सकते हैं घर में। तो ये थे कुछ आपके डेल्टॉइड मसल के ऊपर वर्कआउट्स। और एक वर्कआउट मैं आपको बताऊंगा आपके ट्रेपेजियम के लिए, ट्रैप्स के लिए, जो आप इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। डंबल्स लीजिए, उन्हें आप ज्वाइन कीजिए दोनों को ऐसे, ठीक है। दो वर्कआउट बता रहा हूँ आपको मैं, अब हम करेंगे अपराइट रो। इसको दोनों को ज्वाइन करके आप हल्का सा ऊपर लेके जाइए, अपने एल्बोज अप करनी है अपनी खाली, ज़्यादा से ज़्यादा लिफ्ट करना है आपने, हाथों को नहीं ऊपर लेके जाना। 1 ड्रॉप होल्ड, स्ट्रेच योर ट्रैप्स मसल, अगेन अप होल्ड, स्ट्रेच योर ट्रैप मसल, अगेन अप होल्ड, स्ट्रेच योर ट्रैप मसल। दिस इज द वर्कआउट नेम्ड एज
upright row. This is the best exercise for your trap muscle if you want to gain your collar muscle length. और दूसरा वर्कआउट है इसके साथ shrugs. Shrugs कैसे परफॉर्म करनी है, इसके अंदर हाथ आपने हल्का सा बैंड रखना है, एल्बो बार की तरफ, जनरली लोग सीधे रखते हैं, हल्की से बैंड रखिएगा, पीछे को ऊपर की तरफ उठाइए, होल्ड देन स्लो डाउन, अगेन अप होल्ड देन स्लो डाउन. मैं फ्रंट पोजिशन दिखा देता हूँ आपको एक बार, होल्ड स्लो डाउन. होल्ड जब भी आप करें 2 से 3 सेकंड का होल्ड परफॉर्म कीजिए ताकि आपका ब्लड फ्लो रुके, मसल थोड़ा स्लो हो, देन डाउन, अगेन अप होल्ड डाउन. इसके आप 12 से 15 रेपिटेशन लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि अगर कोलर मसल ज़्यादा आपकी सोर हुई तो फिर आपको 2-3 दिन दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है. तो होप आपको वर्कआउट अच्छा लगा हो और इस वर्कआउट को आप ट्राई कीजिए घर पे और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वर्कआउट कैसा लगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मैं नेक्स्ट सीरीज आपके लिए जो लेके आऊँगा वो भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी. थैंक यू सो मच गाइस.